हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयुर्वेद आचार्य। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईज में होने वाली ड्राइनेस, उसके साइड इफेक्ट्स, कॉजेस और उसके प्रिवेंशन की। सबसे पहले समझ लेते हैं आईज में होने वाली ड्राइनेस एक्चुअली है क्या। इमेजिन करो आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हैं जो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स, बी इट सोशल स्टडीज, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, वो सब में अच्छा है, लेकिन उसका मैथ्स काफी वीक है और इस स्टूडेंट के उस वीक सब्जेक्ट का ही अगले दिन एग्जाम है, वो भी बोर्ड एग्जाम। वो रात भर पढ़ता है और सुबह थोड़ी देर सोता है और जैसे ही वो उठता है वो देखता है उसकी आंखों में खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है और वो चीजें ठीक से नहीं देख पा रहा है और उसकी आंखें लाल पड़ती जा रही हैं। इमेजिन करो कितनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी उस स्टूडेंट के लिए। इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को ही ड्राइनेस इन आईज के नाम से जाना जाता है। और ये जरूरी नहीं कि ये कंडीशन केवल उस स्टूडेंट की हो, कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, कोई डॉक्टर या फिर कोई वर्कर भी इससे पीड़ित हो सकता है। अब सवाल आता है आंखों में होने वाली इस ड्राइनेस का कारण क्या है, तो दोस्तों कारण भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कपी फिट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। खैर वापस आते हैं टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं आंखों में होने वाली इस ड्राइनेस के कारण। तो ड्राई आईज की कंडीशन को समझने के लिए हमें समझना होगा लैक्रिमल ग्लैंड और उसकी वर्किंग को। अब ये लैक्रिमल ग्लैंड क्या है? लैक्रिमल ग्लैंड वो ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी आईज में टीयर्स प्रोड्यूस करने के लिए और उनमें होने वाले ल्यूब्रिकेशन के लिए। जब किसी भी रीजन से, बी इट एक्सटर्नल और इंटरनल, लैक्रिमल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाता है और उसकी वर्किंग स्लो हो जाती है तो हमारी आईज में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके सिम्टम्स हमें आंखों में खुजली, सूजन और ब्लर्ड विजन के रूप में दिखते हैं। अब प्रॉब्लम और उसके रीजंस तो जान लिए, लेकिन सवाल आता है क्या करें। तो आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने के लिए हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहला डोंट्स, ये वो काम है जिनको अगर आप करते हैं तो ऐसा करने से आपकी ड्राई आईज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दूसरा है डूज, ये वो काम है जिनको करने से आपकी ड्राई आईज की प्रॉब्लम समय के साथ कंट्रोल होने लगेगी। पहले बात करते हैं डोंट्स की, जिसमें सबसे पहली टिप आती है अवॉइड स्मोकिंग। अब ये पॉइंट हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं अगर वो ड्राई आईज की समस्या में राहत पाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो स्मोकिंग क्विट करें, क्योंकि स्मोकिंग की हैबिट इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। इसके बाद आती है टिप नंबर टू, यानी अवॉइड साइड इफेक्ट्स कॉजिंग ड्रग्स। अब ये क्या चीज है? तो भाई ये वो ड्रग्स हैं जो हम अपनी किसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर के कहने पर या बहुत बार खुद से ही कंज्यूम करने लगते हैं। इनके कंजम्पशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन ये ड्रग्स हमें ड्राई आईज का प्रॉब्लम जरूर दे देते हैं। अब बोलेंगे बस इतना सा, स्मोकिंग हम करते नहीं, हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके लिए हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं, फिर भी हम ड्राई आईज की समस्या से परेशान। तो भाई इसका एक रीजन है ओल्ड एज फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंट में मौजूद पोल्यूशन के सामने हमारी आंखों का डायरेक्ट एक्सपोजर। अब एज का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन को अवॉइड किया जा सकता है। इसके लिए ट्राई करें कि आप जब भी बाहर निकलें तो अपनी आंखों को कवर करके निकलें और इसके लिए सनग्लासेस का यूज करें। खैर ये तो बात रही डोंट्स की, अब बात करते हैं डूज की। तो भाई टिप नंबर वन है, वॉश योर आईज विद टैप वाटर इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मुंह टैप वाटर या फिर ठंडे पानी से धोएं। ऐसा करने से आपकी आंखों में मॉइस्चर बना रहेगा और आपकी ड्राई आईज की समस्या कंट्रोल में रहेगी। इसके बाद आती है टिप नंबर टू, यानी अप्लाई घृता टू योर आईज। घृता, अब ये क्या चीज है? घृता को हम साधारण भाषा में घी के नाम से जानते हैं और ना सिर्फ जानते हैं बल्कि इसका उपयोग हम अपने खाने में सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन घृता या फिर घी के कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं, जिनमें से एक है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइनेस इन आईज। अगर आप ड्राई आईज की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको चाहिए आप अपनी आंखों में रोज रात में सोने से पहले थोड़ा घी अप्लाई करें। ऐसा करने से आपकी आंखें ल्यूब्रिकेटेड रहेंगी और आपकी ड्राई आईज की समस्या समय के साथ कंट्रोल होने लगेगी। इसके बाद आती है टिप नंबर थ्री, यूज अनियंस। अनियन अर्थात प्याज ड्राई आईज के ट्रीटमेंट के लिए एक वरदान है। ये सल्फर में रिच होता है और हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके हमारी आंखों में आर्टिफिशियल टीयर्स लाने का काम करता है और अल्टीमेटली हमारी ड्राई आईज की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होता है। बस अपनी आंखों की ड्राइनेस को दूर करने के लिए प्याज के रस को अपनी आंखों के पास सुबह उठने के बाद मुंह धोकर अप्लाई करें, कुछ देर लगाकर रखें, फिर बाद में धो डालें। अब बोलेंगे बस ये तीन रेमेडीज का क्रम और हमारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म, तो नहीं भाई नहीं। इसके अलावा आप ग्रेप जूस, त्रिफला और चंदन जैसी रेमेडीज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनको कैसे अप्लाई करना है ये हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं कंक्लूड, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव रह गया है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।